वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। यह मेंस एंड इंटरव्यू सीरीज का पार्ट 24 है। इससे पहले के भी सारे वीडियोज आप देखेंगे, आपको काफ़ी उससे फ़ायदा होगा। अगर आप हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता। हम लोग एक DTS सर्विसेज चला रहे हैं। DTS सेवा पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। यह पेडागोजिकल स्किल्स का एक इनोवेशन है। MCQ इस तरह से पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल MCQ, जो कि सुनने में और कहने में तो काफ़ी अजीब सा लगेगा कि MCQ PT के लिए, MCQ मेंस के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता, इंटरव्यू के लिए कैसे हो सकता। हम लोगों ने इसी पे काम किया और एक ही टॉपिक से PT के लिए MCQ, मेंस के लिए क्वेश्चन और इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन निकालते और बनाते हैं। यह पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कहीं भी पढ़ते किसी अन्य कोचिंग में भी पढ़ते तो भी कोई बात नहीं, आप ये फ्री सर्विसेज ले सकते हैं। इसके लिए आपको 9262810582 पे अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिखकर DTS अवश्य लिखें और हमें व्हाट्सएप कर दें। एक दूसरी सूचना, कल से हम लोगों का टारगेट बैच तो 24 तारीख से ही सेकेंड बैच स्टार्ट हो गया। कल से हम लोगों का सेकेंड बैच टेस्ट सीरीज का 20,000 क्वेश्चन का कल से स्टार्ट हो रहा। इसके बारे में हम लोगों ने टेस्ट सीरीज कैसा हो, किस तरीके का हो, बहुत सारे कुछ वीडियोज डाले हैं, आप उनको देख सकते हैं। 20,000 क्वेश्चन, चार्जेज ओनली 649। तो अब इतना बड़ा टेस्ट सीरीज, इतने सारे क्वेश्चंस का, तो यह अपने आप में भी एक कीर्तिमान है। अब खैर, अब चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं, DTS पे आ जाते हैं। आज का क्वेश्चन है, इसका हिंदी में भी है, हिंदी मीडियम वाले आपके स्क्रीन पे ये हिंदी मीडियम में आज का DTS, आप इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि 5 एक्यूज पर्सन आर बीटिंग एक्स बाई देयर बाई कॉजिंग मल्टीपल इंजुरीज टू हिम। तो पूछा जा रहा है कि क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या बनेगी इनकी। तो ऑप्शन में दे दिया गया कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, आइदर ए और बी, नन। तो इस तरह के क्वेश्चन कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जहाँ BNS आपके सिलेबस में हो और कॉमन इंटेंशन या कॉमन ऑब्जेक्ट से क्वेश्चन ना हो, चाहे PT, मेंस, इंटरव्यू, बहुत ही वाइटल टॉपिक है। जो सेक्शन 34 में हम लोग पढ़ते थे कॉमन इंटेंशन, बिल्कुल एज इट इज वही कॉपी पेस्ट नए डिफिनीशन में भी है। नया वाला सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 हो गया है और उसमें कहा गया कि व्हेन ए क्रिमिनल एक्ट इज डन, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ यहाँ पे उस सेक्शन को, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। तो आप देखेंगे जब IPC आया था तो इन फर्दरेंस वर्ड नहीं था उसमें, ये फर्दरेंस वर्ड 1870 में एक अमेंडमेंट हुआ जोड़ा गया। तो कॉमन इंटेंशन से अगर कोई क्वेश्चन है और अगर आप अगर इस शब्द को आप नहीं समझते फर्दरेंस को, तो फिर कॉमन इंटेंशन को समझ पाना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। कॉमन इंटेंशन की जो आत्मा है वो फर्दरेंस में है। तो इसको आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। तो पॉइंट इज दिस, अनलेस अंटिल देयर इज मीटिंग ऑफ माइंड देर कैन बी नो कॉमन इंटेंशन, और एन इंटेंशन टू बिकम कॉमन शेयरिंग ऑफ दैट इंटेंशन इज वेरी वेरी नेसेसरी। तो जो इसका सीक्वेंस निकल के आता है कॉमन इंटेंशन का, पहला तो ये निकल के आएगा फॉर्मेशन ऑफ इंटेंशन किसी क्रिमिनल एक्ट का, दूसरा निकल के आएगा आपका मीटिंग ऑफ माइंड, तीसरा निकल के आएगा फर्दरेंस,
चौथा निकल के आएगा पार्टिसिपेशन और तब जाके क्राइम। तो कहने का मतलब है कि पांच आदमी किसी को पीट रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि सबका कॉमन इंटेंशन हो। महबूब शाह का केस, पांडुरंग का केस, तीन केसेज, महबूब शाह, पांडुरंग और पोस्ट ऑफिस केस बरिंदर कुमार घोष। तो बरिंदर कुमार घोष के केस में आपको पार्टिसिपेशन के बारे में समझाया गया था, महबूब शाह के केस में कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन को समझाया गया था। कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में भी समानता होती है। कॉमन इंटेंशन में प्रायर कंसर्ट, प्रीवियस मीटिंग ऑफ माइंड होता। तो इस क्वेश्चन में अगर ये लिखा होता कि पांच लोग मिलके एक्स की पिटाई कर रहे हैं इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन इंटेंशन, तब तो ऑप्शन ए हो जाता। उसी तरह से कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए अगर ये लिखा होता कि पांच लोग मिलके एक्स को पीट रहे हैं इन प्रोसिक्यूशन ऑफ देयर कॉमन ऑब्जेक्ट, तो फिर बी हो जाता। या ऐसा कुछ भी लिखा होता तो फिर ऑप्शन सी होता, क्योंकि ये केस है सिमिलर इंटेंशन का। देयरफॉर आंसर इज डी। मेंस में पूछा गया है कैन डॉक्ट्रिन ऑफ ग्रुप लायबिलिटी बी एक्सटेंडेड इनटू द क्राइम। तो ग्रुप लायबिलिटी की कुछ चीजें हम लोग बीएनएस में देखेंगे। नंबर वन तो आपका कॉमन इंटेंशन हो गया, नंबर टू आपका अबेटमेंट, नंबर थ्री आपका क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और नंबर फोर आपका अनलॉफुल असेंबली कॉमन ऑब्जेक्ट। तो इनके अलग अलग प्रावधान हैं। आप इलस्ट्रेशन के तौर पे, अब मेंस में अगर ये आपका क्वेश्चन है कि ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ ग्रुप लायबिलिटी फॉलोइंग स्टैट्यूटरी प्रोविजंस इलेबरेटली आर प्रोवाइडेड अंडर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, और एक एक करके इनको डील करते चलें। पूछा गया कि फाइव एक्यूज पर्सन्स आर बीटिंग, तो आप कहेंगे कि इनटू द गिविंग क्वेश्चन इट इज नो हुए रिटन दैट दिस बीटिंग वाज इन्फ्लिक्टेड इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। इट इज आल्सो नो हुए रिटन दैट दिस बीटिंग वाज इन्फ्लिक्टेड इन इन प्रोसिक्यूशन ऑफ देयर कॉमन ऑब्जेक्ट, देयरफॉर द केस neither falls under common intention nor prosecution of object of prosecution of common object of unlawful assembly. तो hence अब पांच आदमियों ने मिल के पीटा तो जिसने जो इंजुरी कॉज किया उसके लिए वो रेस्पॉन्सिबल होगा। तो इस तरह से आपका मेंस का बहुत ही अच्छा आंसर हो सकता है। आप लिख सकते हैं इंटरव्यू कि विच वन इज मोर वाइडर, कॉमन इंटेंशन या कॉमन ऑब्जेक्ट। तो कॉमन इंटेंशन में मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है, फर्दरेंस नहीं है और पार्टिसिपेशन नहीं है, तो फिर कॉमन इंटेंशन इन तीन पिलर पे टिका हुआ। अगर इनमें से एक भी पिलर नहीं है तो कॉमन इंटेंशन धराशायी हो जाए। तो कॉमन इंटेंशन के एप्लीकेबिलिटी के लिए ये तीनों चीजों का होना जरूरी है। कॉमन ऑब्जेक्ट के एप्लीकेबिलिटी के लिए मीटिंग ऑफ माइंड का होना जरूरी नहीं, एक्चुअल पार्टिसिपेशन का होना जरूरी नहीं, फर्दरेंस को प्रोसिक्यूशन के तौर पे इस्तेमाल किया गया है। तो स्कोप ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट इज मच वाइडर देन कॉमन इंटेंशन। तो
जो समस्या है और जिन कारणों से डीटीएस को चलाया गया और जिन कारणों से आप खुद तय कीजिए, हम लोगों के 10-15 ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप पे भी हैं, टेलीग्राम पे भी हैं, हर ग्रुप में पोस्ट करना, हर ग्रुप में वीडियो शूट करके देना। तो हम लोगों का इरादा है कि जो लॉ स्टूडेंट हैं, बहुत सारी कैजुअलिटीज इनटू द फॉर्म ऑफ मेंस में आपका कम नंबर आया, बाहर हो गए, इंटरव्यू में कम नंबर आया, 2-4 नंबर से छूट गया। तो जो मैं समझ पाया हूँ अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में, ये स्टूडेंट्स नॉर्मली उस शॉर्टकट प्रेफर करते हैं, कहीं से नोट्स ले लो, मटेरियल ले लो, रट लो, जैसे मर्जी वैसे अपना। तो देखिए, रीजनिंग इज द सोल एंड हार्ट ऑफ द लॉ। अगर आप इन चीजों को समझेंगे नहीं, तो आपका मेंस डिफिकल्ट होता रहेगा, आपका इंटरव्यू डिफिकल्ट होता रहेगा। इन चीजों का अगर आप रट्टा मारते हैं, तो रट्टा मारने में जो आपका समय लगता है, उससे काफी कम समय में आप इन चीजों को समझ सकते हैं। हम लोग तो इन चीजों को अभी थोड़ा दिन पहले फाउंडेशन कोर्स में, ये कॉमन इंटेंशन, 8 क्लासेज फुल लेंथ, 8 दिन लगातार हम लोग पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। तो इशू यह है कि ये इतना वाइटल टॉपिक है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया और मैं वो जवाब भी आपको दिखाना चाहूंगा। हाँ, ये जवाब है मिस अरुणिमा आनंद, बहुत बहुत बधाई। इन्होंने लिखा है, इन टू द गिवेन क्वेश्चन इट इज नाइदर मेंशन डेट 5 पीपल आर बीटिंग एक्स एंड कॉजिंग इंजुरी टू हिम इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, नॉर इट इज केस ऑफ डेट 5 पीपल आर बीटिंग इन प्रोसिक्यूशन ऑफ देयर कॉमन ऑब्जेक्ट सिंस दीज टू आर मिसिंग देयर फोर आंसर। ये मेंस टाइप का, मतलब ठीक है, रीजनिंग इनकी बिल्कुल परफेक्ट है। हमने इन्हें कमेंट करके कहा भी कि एक्सेलेंट, बिल्कुल। जब आप मेंस में लिखते हैं, तो आपके आंसर का एक लाइन पढ़ के एग्जामिनर समझ जाता है कि आप कितने पानी में। तो ओपनिंग अगर आपका ठीक है और रीजनिंग के साथ लिखे हैं, तो इसी मेंस में आपको बेहतरीन नंबर आ सकता है। यही नपातुल्ला जवाब देंगे तो आपका इंटरव्यू भी बेहतरीन हो सकता है। तो इन चीजों को समझने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता, इनको अगर आप बेहतरीन तरीके से समझेंगे तो आपका रिजल्ट गारंटीड है। तो हम लोग भी चाहते लॉ स्टूडेंट को प्रॉम्प्ट करना कि वो लोग रीजनिंग पे ध्यान दें, डिस्कस करें इन चीजों को। अब जैसे यही क्वेश्चन है, आप के फ्रेंड सर्कल में जो भी आपका बैचमेट जूनियर सीनियर है, उनसे थोड़ा डिस्कस कर लिया, तो डिस्कशन से चीजें बहुत स्मूथ हो जाती हैं। लॉ में डिस्कशन का होना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी का होना, दीज आर साइन फॉर नन, दीज आर इसेंस ऑफ द सक्सेस, इट प्लेज वेरी वेरी वाइटल रोल। एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट सूचना, 32 बिहार जे का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। करीब 9th मंथ में अब हम लोग इंटर करने वाले हैं, एग्जाम हुए काफी, कभी भी आ सकता है। तो 32 बिहार जे में जो इंटरव्यू में 35 मार्क्स लाना, ये एक आपने सुना ही होगा, बहुत ट्रेजडी भी होती है। मेंस में बहुत अच्छे नंबर, इंटरव्यू के ना भी जोड़े तो भी कट ऑफ से बहुत ज्यादा नंबर, फिर भी इंटरव्यू में 35 नहीं आया और सारी चीजें री स्टार्ट, फिर से आप पीटी, फिर से मेंस, फिर से इंटरव्यू। तो वैसी हालत में काफी निराशा होती है। तो मैं आपसे अपील करना चाहूंगा, हम लोगों ने बिहार एपीओ मॉक इंटरव्यू के सारे वीडियोज, हम लोगों का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ था बिहार एपीओ का, हम लोगों को भी यकीन नहीं था कि ऐसा रिजल्ट होगा। हम लोगों ने 5-5 स्टूडेंट के वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करे हैं,
उनके नाम, रोल नंबर और सारे डिटेल्स के साथ ऑफिशियल रिजल्ट 66, एक्चुअल रिजल्ट इससे काफ़ी ज़्यादा है। हम लोग ऑफिशियल रिजल्ट को ही क्लेम करते हैं। तो जब ये बैच चला था तो इसी बिहार APU बैच के मॉक इंटरव्यू के सारे सेशंस हम लोगों ने, जो मेन मेन सेशंस हैं, कुछ सेशंस यूट्यूब पे नहीं हैं लेकिन मेन मेन सेशंस यूट्यूब पर हैं, बिहार APU मॉक इंटरव्यू 52 या 53 पार्ट के वीडियोज हैं। अगर आपने 32 बिहार मेंस लिखा है तो उन वीडियोज को रिजल्ट निकलने से पहले एक एक करके देख जाएं। इन वीडियो से आपको पता लग जाएगा कि एक इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाती है, बेसिक्स क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों का आपको आइडिया लगेगा। आप कहीं भी किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, इंटरव्यू हो आपका, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। इस गलतफहमी में नहीं रहिएगा कि ये तो APU का है, हम तो JA का दे रहे हैं, हमें तो UP का देना है, वो तो बिहार का, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंटरव्यू के बेसिक पैरामीटर्स आपको बहुत कुछ मिलेगा, आप देखिएगा एक बार, कोई भी वॉल्यूम निकाल के आप देख लीजिए, शुरू से ही कीजिएगा नंबर 1 से, मतलब आप देखिएगा आपको इससे काफी लाभ होगा। एक चीज और हम लोग सोच रहे हैं कि जो लॉ स्टूडेंट हैं उनका एक कॉमन प्लेटफॉर्म उनके वेलफेयर के लिए, तो कुछ सीनियर लोग भी उसमें रहेंगे आपको गाइड करने के लिए, तो उसका एक हम लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप पे पब्लिक चैनल बनाया है जहाँ पे आप अपनी बात रख सकते हैं, अपनी समस्याओं को कह सकते हैं, हम लोग भी उस पे विचार करेंगे। तो उस पब्लिक चैनल को अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो जरूर ज्वाइन कीजिए, एक दूसरे का इंटरेक्शन होगा, कुछ डिस्कशन होगा, कुछ चर्चाएं होंगी, एकेडमिक एटमॉस्फेयर हमारे ग्रुप की खासियत है। हमारे यहाँ नॉन एकेडमिक कुछ भी नहीं होता, डिसिप्लिन बहुत कड़ा है। नॉन एकेडमिक अगर एक्टिविटी की कोई भी करता है तो तुरंत रिमूव कर दिया जाता। तो हमारे ग्रुप में देखेंगे कि टोटली एकेडमिक एटमॉस्फियर है। तो अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो इस पब्लिक चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, हम लोग इसका लिंक कमेंट सेक्शन में आज प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों को भी बताइएगा कि एक लॉ स्टूडेंट का एक वेलफेयर प्लेटफॉर्म फोरम बन रहा जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ यह वीडियो खत्म होता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन आइकन को ऑन रखिएगा ताकि हमारी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि यह वीडियो हर लॉ स्टूडेंट तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।